आज सुबह मुझे एक साहब का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि मैं 30 साल सऊदीया के अंदर काम करता था, ये हमारे नजदीक पिंडी के, शायद वो भी ये वीडियो देखेंगे, मैं नाम नहीं मेंशन करता, या 30 साल बाद अब वो मुल्क वापस आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 3 बड़े अच्छे घर बनाए, अपनी वाइफ के नाम कराए, वाइफ को मैंने फोन करके कहा कि प्लीज अपने नाम कराओ। मैंने 3 घर अपनी वाइफ के नाम कराए, मेरे 2 के 3 बच्चे हैं, अभी जवान है। 30 साल में मैं वापस आया हूँ, मुझे रोज ताने मिलते हैं और मुझे ये फोर्स किया जा रहा है कि तुम वापस चले जाओ। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि वापस जाओ। 2-4 दिन पहले नौबत ये आ गई है कि मेरे बच्चे ने मेरी कन पट्टी पे पिस्टल रखा है और कहा है कि वापस जाओ। ये बच्चा बाप को कह रहा है जो 30 साल उनके लिए मेहनत मुशक्कत घर बना के पढ़ा लिखा के बड़ा करके वापस आया रिटायर होके। बच्चा कह रहा है कि बाप को कि तुम वापस जाओ कन पट्टी पे पिस्टल रख के, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। कहता है कि साथ मेरी वाइफ खड़ी है, वो भी बेटे को कह रही है कि बेटा बाप को मार दो अगर बाहर नहीं जाता तो। अब वो कह रहा है मैं कहां जाऊं। तंग आके अभी कोर्ट गया हूं, जाके वाइफ को तलाक दे दी है क्योंकि ये मुझे मार देंगे, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इनसे ताल्लुक तोड़ दिए इन्होंने, मुझे मजबूर कर दिया। वो कह रहे हैं कि मैं अब पंप के ऊपर, पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ, बाहर भी ड्राइवर था, और अपने माँ बाप शुगर के मरीज हैं, बीमार हैं, उनके लिए मेरे पास छत नहीं है।